CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम ज से जामुन। तो जल्दी आ जाते थे। हाँ, कहानी सुनाते हैं। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है। आज कौन सी सुनाएंगे? पता नहीं, आज देर हो गई। पता नहीं क्यों नहीं आए, हर रोज तो आ जाते हैं। पर आज तो जल्दी ही नहीं आए। आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगती है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? हाँ बच्चों, कहानी तो होगी ही। भैया आज कौन सी कहानी सुनाओगे? जल्दी बताओ ना। अरे हाँ ठहरो, पहले सोचने तो दो। आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? तो बच्चों, आज मैं सुनाता हूँ। मुझे मार रही है बाबा, मेरे पैर पे जूता रख रही है। अरे अरे बाबा, लड़ो मत। और जया, तुम अपना जूता दूर रखो। ये हुई ना बात। अरे वाह, एक आइडिया आ गया। क्या भैया? क्या भैया? देखो, ज से जूता, ज से जया, है ना? जलेबी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ज से जया, ज से जूता, ज से जादू। हाँ, ज से जादू। तो आज हम ज की कहानी आपको सुनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों, ज से आपको आज जामुन की कहानी सुनाएंगे हम। वो बंदर और मगरमच्छ की वो नहीं सुननी। अरे ठीक है, वो नहीं सुनाएंगे बाबा। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा ज से जीवन जादूगर की कहानी। आप तो कह रहे थे जामुन की कहानी सुनाओगे। अरे सुनो तो सही, मैं वही सुना रहा हूँ, जामुन की कहानी सुनाएंगे हम। आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कह रहे, समझ नहीं आ रहा। देखो बच्चों, समझ आएगा, पहले सुनो तो सही। हाँ, तो एक था लड़का, नाम था जीवन, जैसे जीवन। जीवन। शाबाश। तो जीवन बहुत ही प्यारा लड़का था, तुम्हारी तरह। सब उसे बहुत प्यार करते थे, बस थोड़ा सा शरारती था, ये जया की तरह। जानते हो गांव के लोगों से वो क्या कहता था? क्या कहता था? मैं जादूगर हूँ, जैसे जादूगर। हाँ जादूगर। हाँ, अरे भाई, गांव के पास वाले जंगल में एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। हाँ, ज से जंगल, ज से जगह, जैसे जंगल जैसे जलेबी। हाँ, जैसे जलेबी, जैसे जामुन। शाबाश। जैसे जीवन और जैसे जहाँ। तो बस बच्चों, जीवन को ही वो जगह मालूम थी जहाँ पर जामुन होते थे। तो जीवन को एक शैतानी सूझी। तो जीवन गांव वालों के उठने से पहले उठ जाता और चुपके जंगल में चला जाता। वो सुबह उठ जाता था। हाँ, बिल्कुल। उसे डर नहीं लगता था। डर किस बात का? क्योंकि वो जंगल में जाता था। हाँ, और तुम सोच रहे हो कि वहाँ पर जानवर भी होते होंगे, है ना? हाँ। अरे बच्चों, जीवन बहुत ही बहादुर और निडर बालक था। साथ ही उस जंगल में खूंखार यानी भयानक जानवर तो थे ही नहीं, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी, है ना? तो जैसे क्या हुआ? जानवर। शाबाश। तो बच्चों, जीवन सुबह बहुत जल्दी जाग जाता। जैसे जल्दी। हाँ। जैसे जाता। क्या बात है। जैसे जाई। जैसे जल। वाह, क्या बात है, पिंटू ने भी अच्छा बताया। जैसे जल्दी, जैसे जाग और जैसे जाता, यानी जाग जाता। हाँ तो बच्चों, वो चुपके सुबह जंगल जाता और अपनी जेबों में भरकर ढेर सारे जामुन लाता। जैसे जेब और जैसे जामुन। जैसे जल। जल, बिल्कुल ठीक। जैसे जलेबी। हाँ, जलेबी। तो भाई, मीठी मीठी जलेबी भी होती है और मीठे मीठे थे जामुन, है ना? अच्छा बताओ, जलेबी किस किस को पसंद है? मुझे। अरे वाह, क्या बात है। मुझे गुलाब जामुन पसंद है। अरे वाह, क्या बात है, गुलाब जामुन।
हाँ तो बिल्कुल ठीक। तो बच्चों ऐसे ही वो जामुन बहुत मीठे होते थे। जीवन सब गांव वालों को मीठे मीठे जामुन खिलाता। गांव वाले पूछते, अरे बेटा जीवन, तुम इतने मीठे जामुन लाते कहां से हो? और जीवन कहता, अरे तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। मैं जादू मंत्र करता हूँ तो पत्थर जामुन बन जाते हैं। जीवन कहता, मैं जादूगर अगलम शगलम, गिली 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 गिली, गिली गिली झूम, गिली गिली झूम, पत्थर बन जा जामुन। तो बच्चों वो यानी जीवन जेब से जामुन निकाल कर सब गांव वालों को देता। अरे ले लो, तुम भी ले लो, अरे तुम भी ले लो, मुझे भी दो, अरे अच्छा अच्छा ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तो सबको मिल गया ना जामुन। खाओ खाओ। तो बच्चों सब गांव वाले जामुन खुश होकर खाते थे। जीवन का एक दोस्त भी था, नाम पता है क्या था उसका? नाम था जमुना दास। कौन सा दास? जैसे जमुना और जैसे जामुन। तो एक दिन जलेबी। हाँ जलेबी। तो बच्चों एक दिन जमुना ने छुपके छुपके जीवन का पीछा किया। अगले दिन सुबह सुबह जब जीवन जंगल चला गया, तब जमुना ने सब गांव वालों को जगाया। अरे जल्दी करो जल्दी, अरे जल्दी उठो, अरे क्या हो गया जमुना, क्या हो गया? अरे उठो जल्दी उठो, एक चीज दिखानी है। अरे तुम भी चलो। अरे हुआ क्या? अरे बताता हूँ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे तो आओ। हाँ तो बच्चों जैसे जल्दी 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 जैसे जगाया। शाबाश, बिल्कुल सही कहा मिट्ठू ने। अच्छा फिर बता क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिर जमुना सब गांव वालों को अपने साथ ले गया। सब गांव वाले जंगल के सामने आकर जीवन के रास्ते में जमघट लगाकर खड़े हो गए। ये जैसे जमघट, जैसे जम भैया जमघट क्या आता है? बेटा जमघट तो जमघट यानी भीड़ सी। जब भीड़ लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होकर भीड़ लगाते हैं, तो उसे कहते हैं जमघट। क्या कहते हैं? जमघट। शाबाश। तो बच्चों जैसे ही जीवन जामुन लेकर आया, सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। और बच्चे सुनो 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 सुनो, जब जीवन ने हंसकर भागने की कोशिश की तो सबने उसे जकड़ लिया, कस के जकड़ लिया। जा से जकड़, बिल्कुल सही जवाब दिया पूर्वा ने। ताली बजाओ सब, ताली, शाबाश। तो बच्चों गांव वालों ने जीवन की जेब में ढेर सारे जामुन देखे। भैया जैसे जेब। हाँ जैसे जेब, बिल्कुल सही, जैसे जामुन, जैसे जलेबी। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जलेबी। तो सब खुशी से शोर मचाने लगे, हंसने लगे। अच्छा अच्छा तो ये बात है, जामुन जंगल से तोड़ कर लाए हो और हमें कहते थे जामुन जादू से बनाए हैं। हाँ कहता था पत्थर से बनाए, पत्थर से हमें बेवकूफ बनाता था है? अरे हाँ बहुत बेवकूफ बनाया उसने, बहुत बेवकूफ बनाया। हाँ तो बच्चों सबने जीवन को कंधे पर बैठा लिया। अब जामुन का राज खुल चुका था, जादूगर जीवन की पोल खुल चुकी। हाँ जीवन हंसने लगा। और फिर पता जीवन ने क्या किया? क्या किया? जीवन ने सबको ढेर सारे जामुन दिए और सबने छक्कर जामुन खाए। अरे मुझे भी दो, मुझे भी दो।
अरे हाँ दद्दू तुम भी लो, ये मुझे तो मिले ही नहीं, मुझे तो मिले ही नहीं, मुझे मिले नहीं। लो 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 बहुत बढ़िया। लो सब लो सब लो सब लो। हाँ तो अब बच्चों ये बताओ कि तुम्हें ये कहानी लगी कैसी? क्या बात है। तो चलो इसी बात पर एक काम किया जाए, क्यों ना तुम्हें चलकर बाहर मजेदार मीठे मीठे जलेबी की तरह रसीले जामुन खिलाया जाए। जैसे जलेबी। चले चलो आ जाओ। एक जंगल में एक जगह पर उगते ढेरों जामुन, बस जीवन को मालूम था वो लेकर आता जामुन। एक जंगल में एक जगह पर उगते ढेरों जामुन, बस जीवन को मालूम था वो लेकर आता जामुन। जैसे जंगल और जगह पर जैसे जीवन जामुन। सुबह जाग जल्दी चुपके से जंगल जाता जीवन, छुप कर लोगों से चुपके से तोड़ के लाता जामुन। सुबह जाग जल्दी चुपके से जंगल जाता जीवन, छुप कर लोगों से चुपके से तोड़ के लाता जामुन। जैसे जल्दी जैसे जाग जैसे जीवन जामुन। लाता जीवन जेबों में भरकर जलेबी से भी मीठे जामुन। जान न पाता कोई भी कि कहां से लाता जीवन, जेबों में भरकर जलेबी से भी मीठे जामुन। जैसे जान जलेबी जीवन जैसे जेब और जामुन। पूछते कहाँ से लाते इतने मीठे जामुन, जीवन कहता जादू जंतर मंतर से पत्थर बन जाता जामुन। जैसे जाता जैसे जादू जैसे जीवन जामुन। अगड़म सगड़म गिली 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 हा गिली गिली झूम गिली गिली झूम। जीवन जंतर मंतर करता कहता मैं जादूगर, देता सबको मीठे जामुन कहता खा लो चक्कर। जैसे जंतर जैसे जीवन जादूगर और जामुन। जकड़ा जीवन को जीवन जब जामुन लेकर आया। सुबह जगाया जमुना ने लोगों को कुछ समझाया, जकड़ा जीवन को जीवन जब जामुन लेकर आया। जैसे जकड़ा जैसे जीवन जमुना और जगाया। जब जामुन का तो सबने शोर मचाया, खूब हंसे और सबने मिलकर छक्कर जामुन खाया। राज खुला जब जामुन का तो सबने शोर मचाया, खूब हंसे और सबने मिलकर छक्कर जामुन खाया। छक्कर जामुन खाया सबने छक्कर जामुन खाया। जैसे जामुन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे। संगीतकार राकेश पंडित। गायन स्वर नेहा वत्स, रक्षित और बच्चे। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो। निर्माण सहयोग
मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।